निर्णय के क्षण में हम सदा किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? तब का अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं, स्वयं विचार कीजिए।